मरकजी जमीयत अहले सुन्नत की तीन रोज़ा तफरीब में तीसरे दिन नातिया महफिल आयोजित की गई। लाल मस्जिद रोड पर नातिया महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक के साथ हुआ। नातिया महफिल में शहर के मशहूर नात ख्वाह शाह आलम अशरफी, जहीर अशरफी, महफूज आलम अशरफी, हाफिज अयान, ताज़िम अशरफी और शाह आलम ने नातिया कलाम पेश किया। महफिल की सदारत मशहूर शायर मंसूर उस्मानी ने और संचालन निजामत सुजात अशरफी ने की। इस मौके पर मुख्य रूप से मुफ्ती मोहम्मद अयूब खान नईमी, मुफ्ती अब्दुल मन्नार कलीमी, मुनव्वल अकीरमी, हाजी इकराम, रईस अहमद, मोहम्मद आसिफ आदि लोग मौजूद थे। अल्लाह वल्लाह 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 वल्लाह, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। वो चार दिन ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो, चार दिन ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो, चार दिन ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो, चार दिन मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। वल्लाह 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 रहमान रहीम। मरकज़ी जमीयत अहले सुन्नत जो जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उसका मैं एक अदना सा खादिम हूँ, सेक्रेटरी हूँ। और हमारा ये तीन रोज़ा प्रोग्राम होता है। 11 रबीउल अव्वल को प्रोग्राम हमारा नगर निगम टाउन हॉल पर होता है, 12 रबीउल अव्वल को किले वाली मस्जिद से हमारा जुलूस रवाना होता है और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ दीवान के बाज़ार में जाकर मुकम्मल होता है, और 13 रबीउल अव्वल को जो जलसा आज हमारा है लाल मस्जिद रोड पर, वो हमारा जलसा जुलूस में तशरीफ़ लाने वाले तमामी हजरात का शुक्रिया और अदा करने के लिए और उनका खैर मकदम करने के लिए वो जुलूस होता है, जलसा होता है, जिसमें जुलूस में सियासी, समाजी और मजहबी हजरात जो भी तशरीफ़ लाते हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जुलूस से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो ज़िला प्रशासन हो, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अब
की दफ़ा लाओ के लिए ख़ास तौर पर अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तमामी अराकीन, मरकज़ी जमीयत अहले सुन्नत और तमाम लाल मस्जिद के जो नौजवान हैं जिन्होंने दो महीने से लगातार जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले दरवाज़ा तो दरवाज़ा दरवाज़ा जा करके उन्होंने लोगों से गुजारिश करी अपने कीमती वक्त में से। हालांकि सभी कारोबारी हैं, कोई कहीं फर्म में जाते हैं, कोई यहाँ पर अपना कारोबार करते हैं, वो लगातार लोगों के संपर्क में रहे और कहने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और हम उस नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने हमें अच्छी बातों की तरकीब दी है और बुराइयों से रोका है, तो उन्हीं की तालीमात पर अमल करते हुए लोगों को समझाने के लिए हमारे तमाम वॉलंटियर दरवाज़ा दरवाज़ा गए, गली गली गए, मोहल्ले मोहल्ले गए और उसका ये असर देखने को मिला। और मैं साथ ही साथ मुरादाबाद के जो सियासी समाजी और मजहबी हजरात हैं, सियासी लोगों ने भी, मजहबी लोगों ने भी और समाजी लोगों ने भी हमारा इस मुहिम में साथ दिया और जुलूस को मिसाली बनाने में हमारा उन्होंने भरपूर तआवुन किया। बच्चे हैं, अक्सर ये देखने में आता है कि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हम क्या दिन मना रहे हैं, वो किसी भी चीज़ को एंटरटेनमेंट तफरी का ज़रिया समझते हैं। तो लेकिन इंशाल्लाह जब लोग उन्हें समझाते रहेंगे और कहते कहते कहने से एक बदलाव आएगा और वो दिन दूर नहीं कि हम अहले शहर के तआवुन से, वो दिन दूर नहीं कि जब हमारा ये जुलूस मिसाली जुलूस होगा।